हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है और आज की वीडियो में आपको मैं निफ्टी के साइकोलॉजिकल लेवल्स के बारे में बताऊंगा कि इसमें साइकोलॉजिकल क्या लेवल होते हैं जिसके बेसिस पे हम को ट्रेडिंग करने में बड़ा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के साथ ख़ास ये हो रहा है कि अब से मैं लाइव होऊंगा ज़्यादातर वीडियोज़ में, ताकि बिल्कुल मैं जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ मेरा गेट टुगेदर अच्छा हो सके और बेहतर हो सके, हम लोग और ज़्यादा आगे बढ़ें और नया सीखें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग ट्रेड लर्नर्स का टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि कई बातें जो मार्केट में रेगुलर बेसिस पर चलती रहती हैं और उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बताता रहता हूँ, जो मेरा मार्केट को लेके व्यू होता है या मैं जिस तरीके से सोचता हूँ मार्केट के बारे में, या जो भी कुछ नया कुछ घटता है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करनी होती है मैं वहीं पे शेयर करता हूँ। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। दूसरी चीज़, आप टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी है हमारा, उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे अगर डिस्कशन होगा तो हमको नई चीज़ें सीखने को और समझने को मिलेगी और आप अपना थॉट प्रोसेस जो है सही से क्लियर कर पाएंगे कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आगे कैसे बढ़ना है। तो इन सभी बारे में जो है दोस्तों, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करता रहूँगा। और दोस्तों, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, मैंने अब तक यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं और मैं दोस्तों इस इनिशिएटिव को एक लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव बनाना चाहता हूँ। ये इनिशिएटिव आपके द्वारा ड्रिवन हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों के सपोर्ट से चले दोस्तों, इसलिए मैंने जो है एक रिक्वेस्ट की थी, वो टेलीग्राम ग्रुप पे रिक्वेस्ट की थी कि आप सब अपनी तरफ से जो भी अमाउंट आपको लगता है वो मुझे, मैंने एक गूगल पे आईडी बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या आप जाकर के जो है गूगल पे आईडी पर जो है मुझे कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये कॉन्ट्रीब्यूशन आप ना केवल आपने अगर कुछ सीखा ट्रेड लर्नर्स चैनल से इसीलिए ना करें, इसके अलावा दोस्तों आप मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए जो है कुछ ना कुछ राशि जो है कंट्रीब्यूट करें, जो आपका मन करता है वो राशि कंट्रीब्यूट करें। बट आप जो है गूगल पे आईडी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस पे जाकर के प्लीज़ सपोर्ट करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो जो है साइकोलॉजिकल लेवल्स के ऊपर होने वाली है। अभी आपको जो है निफ्टी का चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, और आपको दिख रहा होगा कि ये डेली कैंडल चार्ट है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे कुछ मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं जो कि हमेशा मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा। थर्ड चीज़, ये नीचे RSI का लेवल है, ये भी लगा हुआ है। आज की वीडियो में हमको RSI के लेवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो में खास बात ये है कि जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, अब दिमाग में ये आएगा कि साइकोलॉजिकल लेवल होता क्या है। अब इस चीज़ को मैं निफ्टी के चार्ट से दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। हम ऑप्शन राइटिंग करते हैं, ये ऑप्शन राइटिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है और अदर ट्रेडिंग करनी है आपको तो उसमें भी हेल्पफुल होगा। लेकिन दोस्तों, मैं मोस्टली ऑप्शन राइटिंग के लिए आपको फेवर करता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सक्सेस रेट जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रेडिंग के। क्योंकि हमें जो है पता नहीं है मार्केट कहाँ जाने वाला है, ठीक है, लेकिन हम एक रेंज बनाना हमारे लिए आसान होता है ट्रेडिंग में, ठीक है, कि किस रेंज में मार्केट रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, अभी जो है आज की तारीख है 19 नवंबर की, ठीक है, आप देखें तारीख है 19 नवंबर की। मैंने आज कुछ बताया था कि ये 13,000 से पहले ही मार्केट जो है करेक्ट हो जाएगा, और वो हुआ भी सही है। तो दोस्तों, ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर मेंशन की थी ये बात। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि साइकोलॉजिकल लेवल जैसे है ना, क्या होते हैं कि 13,000 का लेवल है, ये एक क्लियर लेवल है, जो कि हमारे दिमाग में 13,000, 13,500, 14,000 ऐसे लेवल्स जो होते हैं ना, ये होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल, क्योंकि हमारी दिमाग में एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि इस लेवल पे मोटी मोटी तौर पे हम बात करते हैं ना, जिस तरह से जनरल लाइफ में भी, ठीक है, 100 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये इस तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है करेक्ट होगा बिल्कुल 12,225 से, तो ये कोई लेवल नहीं होता है, ठीक है, कि जिस पे कहा जाए कि मार्केट जो है करेक्ट होगा या मार्केट यहाँ से वापस से
ऊपर उठने लगेगा या तेजी पकड़ेगा। लेकिन मोस्टली मैंने जैसा देखा है ना, जितना मैंने ट्रेडिंग में देखा, तो मार्केट देखो ये 12,000 का लेवल जब आया था यहाँ पे देखो आप, तो हुआ क्या था, अक्टूबर नवंबर मंथ में ये करेक्ट हो रहा था बार बार 12,000 के लेवल के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा गारंटी का कोई सबूत नहीं होता है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में जो है अंडरस्टैंडिंग होती है। अब 13,000 का लेवल आया है, 13,000 पे आके मार्केट करेक्ट हो गया या करेक्शन होने जा रही है जो अगले कुछ महीने चलेगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप मंथली कॉल पुट राइटिंग करने में आपको बहुत हेल्प होती है, मेनली आपको कॉल राइटिंग करने में ज़्यादा हेल्प होती है साइकोलॉजिकल लेवल से। अब देखो ये 13,000 पे जाके करेक्ट होने लगा है, अब आप सोचोगे कि यार 12,500 पे क्यों नहीं करेक्ट हुआ। तो दोस्तों यही है, ये सब क्या है, कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे यहाँ पे बताई जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ हम जो एक्शन लेते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि निफ्टी आने वाले कुछ महीनों में कहाँ पे रहेगी, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पहले ही बताया था कि 12,400 से करेक्ट हो जाएगा मार्केट और इसके अलावा 10,000 की रेंज में रहेगा, ठीक है। ऐसा हुआ नहीं अभी तक, तो मार्केट क्या है इस तरीके से जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे नहीं होता है जैसे हम सोचते हैं, ठीक है। मार्केट को सिर्फ आप क्या होता है ना, आप अगर ये सोचोगे कि ट्रेडिंग में जो है सिर्फ एक चीज़ पकड़ ली, कि एक इंडिकेटर पकड़ लिया और आपको सफलता मिल जाए, ऐसे नहीं होता है। आपको कई पैमानों पे देखना पड़ता है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी, टेक्निकल भी कुछ एक हद तक देखना पड़ता है, और इसके अलावा दोस्तों आप किस तरीके से, आपने कितना टाइम मार्केट में स्पेंड किया, कितने लोगों, कितना आपने सीखने की कोशिश की, इस इन सब चीज़ों पे ओवरऑल मिला करके जो है आपको समझ आएगा। RSI लेवल भी देखोगे आप, वो भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। वॉल्यूम एनालिसिस है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी बातें बताई हुई हैं जो आपको वैसे तो पेड कोर्सेज में मिलेंगी, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, बट दोस्तों वो सब बातें ना बहुत धीरे धीरे समझ आती है कि ओपन इज इक्वल टू हाई का कॉन्सेप्ट, ओपन इज इक्वल टू लो का कॉन्सेप्ट, तो ये सब चीज़ें मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियोज़ बना रखी हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के चेक करोगे तो आपको मिलेंगी वो वीडियोज़। देखो अब यहाँ पे ये 13,000 का जैसे साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, यहाँ पे 12,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था तो मार्केट करेक्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे दिखेगा आपको कि 11,800 पे करेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये कोई साइकोलॉजिकल लेवल नहीं हुआ था, ठीक है। अब जो है एक 10,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल दिखता है, ये 11,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल दिखता है, ठीक है। तो मार्केट जो है ये यहाँ पे 11,000 के ऊपर जा करके फिर करेक्ट हुआ थोड़ा, ठीक है। तो हम गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि इस लेवल के आसपास आने पे कुछ ना कुछ घटना होगी, करेक्शन आने की संभावना है, एक एक पॉइंट बनता है आपके पास कि आप कैसे किस हिसाब से ट्रेडिंग करें। और जब भी मार्केट जो है ना नए नए लेवल्स को छूता है ना, तो उसके बाद करेक्शन होने की एक संभावना होती है। देखो जैसे क्या है कि ये मार्केट जब है ना नए नए लेवल्स को यहाँ पे छू रहा था, तो थोड़े थोड़े ऊपर जा जा करके थोड़ा थोड़ा करेक्ट होता जाता है, थोड़ा थोड़ा करेक्ट होता जाता है। लेकिन जैसे ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं ना, कई बार 12,000 का लेवल हुआ, यहाँ से करेक्ट हुआ है, फिर उसके बाद हालांकि 12,200 से हुआ है, तो लेकिन दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि 12,000 से पहले अगर आप पास्ट देखोगे ना, तो पास्ट से कई चीज़ें निकल के आती है। ये मैं बात कर रहा हूँ 3 अप्रैल 2019 की, यहाँ पे देखो 12,000 के लेवल से पहले ही करेक्शन आ रही है, तो इससे क्या समझ आ रहा है, फिर करेक्ट हुआ और फिर एक और बार करेक्ट हुआ, तो इससे हमें एक आइडिया लगता है कि भाई हम कॉल राइटिंग जो करनी है हमको या पुट राइटिंग करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है हम उस अकॉर्डिंग एक दूर का लेवल जो है डिसाइड करते हैं, तो इस तरह से हमारी रेंज जो है बनती है मार्केट को लेकर के। ये चीज़ें क्या है धीरे धीरे समझ आती हैं, और यहाँ पे भी देखो आप, ये एकदम से कई बार बहुत ज़बरदस्त रैली दे दी मार्केट ने, लेकिन यहाँ 12,000 ये लेवल आ रहा है और यहाँ पे 11,800 पे ही मार्केट करेक्ट हो गया,
ठीक है, मार्केट जब भी कोई नई ऊंचाइयां छूने जाता है ना, तो करेक्शन जो है ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल्स पे हो जाती है। और आप जो है ये बात ध्यान रखें कि इस तरह से आप दूर के कॉल शॉर्ट करोगे, सेल करोगे ना, तो आपके हारने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये होता है क्योंकि आपको भी पता है अच्छे से कि मार्केट जो है कि एक्सपायरी डे आते ही है ना, सब कुछ जीरो हो जाते हैं प्रीमियम्स। जब प्रीमियम्स जीरो हो जाते हैं ना, तो इस तरीके से एक आपको जो है फ़ायदा मिलता है जब आप दूर दूर के कॉल पुट को शॉर्ट करते हो। और वीकली एक्सपायरी बेसिस पे करोगे तो और ज़्यादा फायदा होगा, और मंथली एक्सपायरी बेसिस पे करोगे तो उसमें और ज़्यादा फायदा होता है। अब ये सारा खेल खेलने के लिए जो होता है ना, क्या होते हैं, पैसे लगते हैं भाई, पैसे अच्छे लगते हैं। जो ऑप्शन सेलिंग होती है वो पैसों का धंधा है। कभी आपने देखा मेरे को, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं मैं कभी लाइव वीडियोस नहीं बनाता हूँ। लाइव इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि दोस्तों मेरे पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि मैं 10-10 लॉट के साथ जो है ऑप्शन राइटिंग कर सकूं। मैं आपको इतनी आसानी से बता सकता हूं कि ये मार्केट में आप जो है एक्सपायरी के दिन आपको गेम कैसे खेलना है, ठीक है। उसके लिए मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस पे भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, मैंने ऑप्शन राइटिंग पे बहुत सारी पहले वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको जाके देखो। आपको सारी वही बातें बताइए जो मैंने सीखी है लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसा कोई कोर्स वोर्स भी नहीं बनाया जिससे आपको सीखने के लिए जिसको जिससे सीखने के लिए आपको पैसे पे करने पड़े। मैं जितनी भी चीज़ें हैं अपनी तरफ से कोशिश की है कि लोगों को समझ आए, लोगों को पता चले कि मार्केट किस तरह से वर्क करता है। ये देखो यहाँ 9,000 का लेवल है, एक और जगह बताता हूँ मैं। ये 9,000 था, मार्केट ने फर्स्ट टाइम छुआ था ये 9,000 का लेवल, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। 9,000, 9,500, 9,800, इन सब पे चेक करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन आप इन सब चीज़ों को चेक करो, इससे आपको समझ आएगा कि रियल में मार्केट किस तरह से वर्क करता है, FIAs DIAs कैसे सोचते हैं। जो मैंने अगर कोई चीज़ बता रहा हूँ तो उसके पीछे लॉजिक होता है। यहाँ यूँ नहीं सिखाना चाहता हूँ मैं कि आपको ये RSI इंडिकेटर है, आप इसमें यहाँ नीचे आएगा तो आप बाई कर लो, ऊपर आएगा तो सेल कर दो। इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं, वो फिर है ना आपके स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। ऑप्शन राइटिंग ही एक ऐसा तरीका होता है जिसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं, पता है, उसमें हेजिंग होती है, उसमें आपका लॉस फिक्स होता है। भले से निफ्टी 1,000 2,000 पॉइंट ऊपर भी चल जाए तो भी लॉस फिक्स होता है। तो ऑप्शन राइटिंग करने के पीछे जो मैंने वाइस ट्रेडर से सीखा था, मैंने अपनी बहुत वीडियोस बनाई है वाइस ट्रेडर की, और इसलिए बनाई क्योंकि दोस्तों उस बंदे से मैंने रियल में बहुत सीखा है, ठीक है, जो आपको सीखना चाहिए। और उन्हीं चीज़ों को मैं और डिटेल और डीप वे में जो है डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ऐसा बताया आपको कई कई जगहों पे, ठीक है, कि साइकोलॉजिकल लेवल्स का क्या फ़ायदा है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने वाइस ट्रेडर से नहीं सीखी है, मैं खुद से सीखता हूँ, खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाता हूँ। रेगुलर मार्केट को देख रहा हूँ मार्च 2020 से, ठीक है, 1 मार्च 2020 से लगातार मार्केट को देख रहा हूँ, ठीक है, कि क्या हो रहा है मार्केट में, कैसे हो रहा है। सीखते 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 अपने आप को अपग्रेड किया लगातार, ठीक है। इतनी वीडियोस बनाई हैं, ये जो वीडियोस है ना वो आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग बताएगी कि मैं किस तरह से मार्केट को से सीखता हूँ या सोचता हूँ मार्केट के बारे में, और किस तरह से एक रिटेलर। मैं भी वही गलतियाँ करता था जो शुरुआत में एक रिटेलर करता था, मैंने भी छोटे अमाउंट से शुरू किया। अब चक्कर यही होता है कि आप मार्केट में जब तक छोटी मछली बन के आते हो ना, आपको कोई ना कोई बड़ी मछली खा लेती है। ये बिल्कुल सही बात है, आपको आज नहीं तो कल खा लेगी, परसों खा लेगी, तरसों खा लेगी, आप लुटा के जाओगे भाई। कितनी बड़ी बड़ी बातें करें कि आप ये जिग जैग स्ट्रेटजी लगा लो, ये लगा लो, वो लगा, वो सब धरी रह जाती है मार्केट में, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और दोस्तों प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को आप समझें, मुझे जो है आप हेल्प करें कुछ अमाउंट। आपको अगर कुछ सीखने को मिल रहा है प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें, अपनी तरफ से एक छोटा डोनेशन की तरह आप कंट्रीब्यूट करें और इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें। तो दोस्तों आपने अभी तक वीडियो देखी और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी बाकी वीडियोस को भी देखें और आप यहाँ से सीखने की कोशिश करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे और उसमें आपको और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी वीडियो को विराम देते हैं और यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।